नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदिवीरा पॉइंट पर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश PSC का जो एग्ज़ाम है वो अब 20 जून को होने वाला है, तो इससे महत्वपूर्ण जो भी करंट अफेयर है आपके लिए अब हम लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण जितने भी COVID-19 से संबंधित ऐप हैं, क्योंकि अभी आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश PSC का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चन देखने मिले थे, टोटल 45 मार्क्स के 3 जो कि COVID-19 से पूछे गए थे। तो कई कोचिंग संस्थाओं ने जो है उसको नहीं करवाया था, लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट है उसी हिसाब से जो हम लाए हैं COVID-19 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऐप हैं हर स्टेट ने जो बनाए हुए हैं। तो जल्दी हम देखेंगे, बिना समय गवाए छोटी सी वीडियो रहेगी, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और इसकी PDF आपके लिए चाहिए है, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं, इसको फ्री PDF आपके लिए मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न जो है वह है कोरोना कवच जो कराए गए हैं, किसने दिया है कोरोना कवच ऐप, ये दिया है भारत सरकार ने कोरोना कवच ऐप। इसके बाद दिया है दूसरे नंबर का जो है ब्रेक द चेन अभियान, किसने चलाया है ये केरल की सरकार ने चलाया हुआ है ब्रेक द चेन, मतलब जो भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग रखें इसके लिए ब्रेक द चेन चलाई गई है, लोगों के बीच जो एक चेन टूट लग रही थी, लोग भीड़ इकट्ठा हो रही थी, उसके लिए चलाया गया था केरल सरकार के द्वारा। तो याद रखना है ब्रेक द चेन, और ट्रिक से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि चेन कहाँ से नीचे से स्टार्ट होती है, तो सबसे नीचे कौन सा राज्य है, केरल राज्य है, तो वहाँ से चेन किसने तोड़ी, केरल सरकार ने तोड़ी वहाँ से चेन। ऑपरेशन शील्ड किसने चलाया था, दिल्ली सरकार ने। शील्ड एक प्रकार से क्या हो गया, मेरा कवच होता, कवच का काम करता है, तो कोई भी कहीं पर हमला होता तो अपन किसको बचाते हैं, सेंट्रल पार्ट को, तो सेंट्रल पार्ट में क्या है दिल्ली, तो शील्ड मतलब कवच, किसकी रक्षा करनी पड़ेगी, दिल्ली की, तो ऑपरेशन शील्ड किसने चलाया था, दिल्ली सरकार ने। इसके बाद नाड़ी किसने चलाया था, नाड़ी ऐप, तो नाड़ी ऐप चलाया था पुदुचेरी सरकार ने। और इसके बाद देखते हैं अगला प्रज्ञाम, ध्यान रखना प्रज्ञाम ये चलाया था झारखंड सरकार ने, किसने चलाया था, झारखंड सरकार ने। यहाँ से आपकी देखिए 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने की संभावना है, जितनी सारी वीडियो हम और आपके लिए करंट अफेयर की लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद है अगला कोविड केयर ऐप, तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने चलाया था कोविड केयर ऐप। अगला है आरोग्य सेतु, तो सभी को मालूम होगा ये आरोग्य सेतु ऐप जो है भारत सरकार ने चलवाया था, अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं सारे आपके कोविड वैक्सीन लग रही है वो सारे इसी के थ्रू हो रहे हैं, और इसकी वेबसाइट भी आप याद रख लें, या तो आप रजिस्ट्रेशन आरोग्य सेतु से करा सकते हैं, और इसकी जो वेबसाइट है जो है आपकी वेबसाइट क्या है, cow.gov.in पर भी आप जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो इस पर आपको टीके लग रहे हैं, तो यार उसे तो ऐप भी है। और वेबसाइट की बात पूछे तो cow.gov.in जो है आपकी COVID-19 संबंधित वेबसाइट है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल OTP लगकर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद है समाधान किसने निकाला है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, समाधान मानव संसाधन, देखो ये धान दिख रहा है ना, समाधान मानव संसाधन, तो यहाँ से आप अपना रिलेट करके याद रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐप है तो आपको याद रखने में सहूलियत होगी, समाधान और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसके बाद है 5T योजना कौन लाई थी, तो दिल्ली सरकार ये 5T योजना लाई थी। इसके बाद करुणा पहल चलाई थी, तो सिविल सर्विसेज एसोसिएशन ने, करुणा पहल किसने चलाई थी, सिविल सर्विसेज एसोसिएशन ने। इसके बाद है वी सेफ जो है किसने चलाया था, तेलंगाना सरकार ने चलाया था इसके बाद है आई गॉट पोर्टल किसने चलाया, आपको दिख रहा है आई गॉट पोर्टल, गवर्नमेंट पोर्टल जो है भारत सरकार ही चलाएगी इसके लिए। इसके बाद है ऑपरेशन नमस्ते, किसने चलाया था, हमारी भारतीय सेना ने, कि भाई आपको जो है हाथ जोड़कर नमस्ते करना है, वो भारत सरकार ने चलाया था, ताकि लोग हैंडशेक ना करें, हैंडशेक करेंगे तो क्या है जो कीटाणु वायरस हैं वो आपस में ट्रांसमिट होंगे, तो ऑपरेशन नमस्ते जो है हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, तो उसको चलाया था भारतीय सेना ने, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। और जो मोजीवन किसने चलाया था, उड़ीसा सरकार ने। आपके लिए इससे संबंधित एक ट्रिक बताते हैं, जितनी भी योजनाएं हैं उसमें यदि आपको ये वर्ड मिल जाए तो मो, ये अधिकांशता जो मो वर्ड है उड़ीसा सरकार ही चलाती है, आप जिनकी जितनी भी योजनाएं देख लें, मो अभियान, कोई भी मो से अभियान आपको दिखता है तो बिना देखे आप उड़ीसा सरकार ट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी योजनाएं जो है मो से उड़ीसा सरकार ही चलाती है, और इन सारे अभियान को यही चलाती है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला है संजीवन ऐप जो किसने चलाया है, बिहार सरकार ने। तो संजीवन ऐप किसने चलाया है, बिहार सरकार ने।
इसके बाद है नमस्ते ओवर हैंड शेक। ऑपरेशन नमस्ते किसने चलाया था? हमारी थल सेना ने। किसने चलाया था? थल सेना, भारतीय सेना जो है उसने चलाया था ऑपरेशन नमस्ते। लेकिन ये क्या है? नमस्ते ओवर हैंडशेक, मतलब इसकी जगह हैंडशेक की जगह नमस्ते। ये किसने चलाया था? कर्नाटक ने, कर्नाटक सरकार ने चलाया था। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, ओवर द हैंडशेक यदि आ जाए तो कर्नाटक सरकार, और ऑपरेशन नमस्ते आ जाए तो चलाना है थल सेना। इसके बाद है प्रवासी रोजगार ऐप, तो ये सभी को मालूम होगा, सोनू सूद जो हमारे हीरो हैं उन्होंने ये चलाया था, एक्टर हैं बॉलीवुड में, सभी इसको जानते हो, कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो इनके द्वारा चलाया गया था प्रवासी रोजगार ऐप। जब COVID-19 बीमारी फैली थी तो बहुत से मजदूर पलायन कर रहे थे, लेकिन क्या था, सब चीज़ें बंद थी तो किससे पलायन करते, और उनके पास इतनी मनी भी नहीं थी कि वो उस ट्रेवल में सफ़र कर सकते। तो ऐसे में सोनू सूद ने जो इन्हें अपने खर्चे पर बस दी थी, उनके लिए पैसे भी दिए थे, किराया भी दिया था, खाने पीने की सारी की व्यवस्था सोनू सूद जी के द्वारा करी गई थी। तो इनके द्वारा ये चलाया गया था ताकि लोगों की मदद हो सके, और सभी लोगों ने देखा भी था किस तरह से उन्होंने मदद करी थी। तो ये चलाया गया था सोनू सूद के द्वारा, प्रवासी रोजगार ऐप। इसके बाद चलाया गया था आयुष कवच ऐप। आयुष कवच ऐप चलाया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ऊपर जो चलाया गया था ऑपरेशन शील्ड, शील्ड चलाया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? शील्ड, शील्ड दिल्ली सरकार के द्वारा, और कवच, आयुष कवच उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया था। और इसके बाद है कोविड फार्मा ऐप। कोविड फार्मा, फार्मा जो है किसने चलाया था? आंध्र प्रदेश सरकार ने। कोविड फार्मा, कोविड फार्मा ऐप चलाया था आंध्र प्रदेश सरकार ने, तो इसको भी आपको याद रखना है। इतनी वीडियो में आज जो है इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपको PDF चाहिए तो PDF की आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @MPVyapam, तो आपके लिए इस PDF का मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको रिवाइज कर सकते हैं बार बार, आपके लास्ट टाइम पर आपको हेल्पफुल रहेगी। और भी आपको वीडियो मालेगी तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही था।